हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको ब्लाउज से नाप लेने का तरीका और 40 इंच चेस्ट साइज का यहाँ पे ब्लाउज तैयार करने का तरीका दोनों ही यहाँ पे आपको बताएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो सबसे पहले हम आपको ब्लाउज से नाप लेने का तरीका बता देते हैं। यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमें पीछे की साइड से अपनी लंबाई लेनी होती है। तो जब भी हमें लंबाई लेना है, अपनी गले की साइड से नहीं लेना है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए इस तरीके से हमें लंबाई नहीं लेना है। यहाँ पे हम जब लंबाई को ले रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 13.5 इंच, आप यहाँ पे देख सकती हैं। जब भी आपको लंबाई लेना है, आपको अपने आर्म होल की साइड से लेना है। तो यहाँ से ये हमारी लंबाई 14 इंच आ रहा है, यानी आधा इंच का यहाँ पे डिफरेंस है, आप यहाँ पे देख सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा आधा इंच कम होता है हमारे शोल्डर की वजह से और गले की वजह से। जब हम अपने गले पे पट्टी अटैच करते हैं तो इसमें खिंचाव आता है और शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं तो हल्का सा झुका के करते हैं, इसकी वजह से लंबाई हमारी कम आती है। तो यहाँ से हमें लंबाई लेना है अपने आर्म होल की साइड से। तो ये हमारी लंबाई 14 इंच आ रहा है, तो इसमें हम आधा इंच बढ़ा के लेंगे। जब भी हम पुराने ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करते हैं तो उसमें अपनी लंबाई में आधा इंच हमें प्लस करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ पे हम जो नए ब्लाउज को तैयार करेंगे वो करेंगे 14.5 इंच पे तैयार। इसमें हम अपने सिलाई मार्जिन अलग से ऐड करेंगे, यानी हम अगर कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग हम 15.5 इंच पे करेंगे। अब हम लेंगे अपने चेस्ट का नाप। तो चेस्ट के नाप के लिए हम इस तरीके से ब्लाउज को सेट करेंगे। जिस साइड में हमारा हुक अटैच है उस साइड से हमें लेना है और इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करना है। पहले हम ऊपर की साइड से लेंगे जो हमारा अपर चेस्ट होता है। तो यहाँ से देखिए, इस तरीके से लेना है और यहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ पे हमारा सिलाई है वहाँ तक हम लेके आएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9.5 इंच, यानी ये ब्लाउज हमारा जो है वो 38 इंच का ब्लाउज यहाँ पे तैयार है। यहाँ पे चौथा भाग 9.5 इंच आ रहा है। अब यहाँ से हमें दूसरा नाप लेना है अपने फुल चेस्ट का। तो ये हमने जो डॉट लगाया है इसके ऊपर से इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 20 सेंटर से इस तरीके से कपड़े को खींचते हुए नाप लेंगे। तो ये हमारा फुल चेस्ट का जो नाप है वो आ रहा है यहाँ पे 40 इंच, यहाँ पे 10 इंच पे आ रहा है और ऊपर की साइड 9.5 इंच आ रहा है। तो ये जो हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं अपने डॉट के लिए, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। इस तरीके से ये हमारा फुल चेस्ट यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो कटिंग में हम आपको बताएंगे। अब यहाँ से देखिए, अपना लोअर बेल्ट देखेंगे। यहाँ पे देखिए बेल्ट अटैच, बेल्ट वाला ब्लाउज है, यहाँ पे लोअर बेल्ट है। तो यहाँ पे जो हमने 20 सेंटर है इसका, जो डॉट जो नीचे का हमने डॉट लगाया है उसका, हम 20 सेंटर से अपना लोअर बेल्ट निकालेंगे। साइड से हमें नाप नहीं लेना है, ना ही तो इस साइड से लेना है। इस दोनों साइडों में हमारा डॉट लगा हुआ है तो हमको 20 सेंटर से लेना है। 20 सेंटर से ये हमारा नाप बराबर से आएगा। तो इस तरीके से अच्छे से हम सेट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे उठाते हुए हम इस तरीके से फैब्रिक को अपना नाप लेंगे। यहाँ पे लूजिंग है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे उठा के देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार आ रहा है 13 इंच, यहाँ पे 13 इंच पे ये तैयार आ रहा है। तो इसमें हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा नीचे की साइड 0.5 इंच और 0.5 इंच हमारा शोल्डर की साइड। तो इस तरीके से हम अपना लोअर बेल्ट जो कटिंग करेंगे वो 14 इंच पर कटिंग करेंगे। और ये हमारा जब तैयार होगा डॉट लग के, तो ये हमारा तैयार होगा 12 इंच पे। जब साइड का हमारा डॉट लग जाएगा तो साइड से हमारा ये 12 इंच पे आएगा और 20 सेंटर से ये हमारा 13 इंच आ रहा है और इसकी कटिंग हम 14 इंच पे करेंगे। अब यहाँ पे हम अपना डॉट का ये पॉइंट जो है वो उसका नाप लेंगे। तो ऊपर की साइड से सेम उसी तरीके से इंची टेप को लेंगे, जहाँ पर हमारा डॉट का पॉइंट है वहाँ तक अपना डॉट पॉइंट नाप लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये आ रहा है हमारा 11 इंच आ रहा है। यहाँ पे सिलाई जहाँ पे हमारा उतरा है मशीन, वहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 11 इंच आ रहा है। तो इसकी कटिंग होगी 11.5 इंच पे, 0.5 इंच ऊपर का शोल्डर का सिलाई मार्जिन। तो 11.5 इंच पे अपना हम फ्रंट पार्ट का डॉट पॉइंट रखेंगे। तो इस तरीके से हमने अपना नाप लेना है, डॉट पॉइंट 11.5 इंच पे, अपर चेस्ट 9.5 इंच पे और फुल चेस्ट इसका आया है 40 इंच पे और इसका लोअर बेस्ट आया है 14 इंच पे। इस तरीके से नाप लेके आपको सभी मेजरमेंट लिख लेने हैं। अब यहाँ से देखिए, अपना शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो ऊपर की साइड का अपना ये जो हुक है इसको बंद कर लेंगे और अच्छी तरह से इस तरीके से सेट करेंगे। अब यहाँ पे अपने आर्म होल का नाप, शोल्डर का नाप लेंगे। तो दोनों साइड में हमें 0.5 इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाता है जब हम अपना बाजू अटैच करते हैं। तो 0.5 इंच को हम इस सिलाई के बाहर से रखेंगे और इस तरीके से अपना शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, दोनों साइड का सिलाई मार्जिन लेते हुए ये हमारा आ रहा है 11 इंच पे। तो 11 इंच का हम हाफ कर लेंगे तो 11 का हाफ होगा 5.5 इंच। यहाँ पे हमारा शोल्डर जो तैयार है वो है यहाँ पे 5.5 इंच का। तो इस तरीके से हमें अपने शोल्डर का नाप लेना है। इसमें दोनों साइड का आधा आधा इंच का हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए अपने शोल्डर का नाप लेना है, या फिर आप बॉडी नाप से भी शोल्डर का नाप ले सकती हैं। अब यहाँ से शोल्डर की चौड़ाई देखेंगे तो ये हमारा लगभग 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम हो यहाँ पे हमारा शोल्डर का नाप आया है।
यहाँ पे हम शोल्डर की कटिंग करेंगे 3 इंच पे, दोनों साइड का सिलाई मार्जिन लेंगे तो ये हमारा शोल्डर सेम तैयार हो जाएगा। तो 3 इंच का हम अपना शोल्डर रखेंगे। अब यहाँ से हम अपने गले का नाप लेंगे, तो गले को हम इस तरीके से अगर नाप लेती हैं तो आप इस तरीके से भी नाप लेते ले सकती हैं। अगर इस तरीके से आप लेती हैं तो ये देखिए ये हमारा 6 इंच पे आ रहा है। तो गला हमारा फ्रंट पार्ट का 6.5 इंच पे कटिंग होगा, 1/2 इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन, तो ये गला हमारा 6 इंच का तैयार हो जाएगा। तो नॉर्मल है, आगे का गला 6 इंच तक ही रखा जाता है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल का नाप लेना है, तो आर्म होल का नाप हमें लेने के लिए हमें पीछे की साइड से लेना है, आगे की साइड से आर्म होल का नाप नहीं लेना है। आगे की साइड हमारी गहराई होती है तो आर्म होल का नाप सही तरीके से नहीं आएगा। तो पीछे की साइड से हम इस तरीके सेट करेंगे और सिलाई के बराबर से इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए अपना आर्म होल का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आर्म होल हमारा लगभग 9 इंच आ रहा है। यहाँ पे 9 आर्म होल तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, 9 इंच में ये थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम आ रहा है। तो इसकी कटिंग जो होगी वो करेंगे हम 8 इंच पे, 8.5 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 9 इंच का आर्म होल यहाँ पे तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए आर्म होल को 8.5 इंच पे कटिंग करने के लिए हमें बॉक्स कितने इंच का तैयार करना है, ये मेन पॉइंट है कि हमें बॉक्स किस तरीके से हम तैयार करेंगे कि जिसमें हमारा 8.5 इंच का आर्म होल आ जाएगा। तो इसके नाप लेने के लिए हमारे ब्लाउज़ की जो भी लंबाई है आपको यहाँ पे लंबाई पे रखना है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई 14 इंच है तो 14 इंच पे रखेंगे और इंची टेप को ऊपर की साइड लेके जाएंगे। जब ऊपर की साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारे आर्म होल, यहाँ पे आर्म होल की सिलाई है वहाँ पे आ रहा है 5.5 इंच। यहाँ पे देखिए तैयार आ रहा है 5.5 इंच, तो 1/2 इंच हम इसको ऊपर की साइड लेंगे। जो हमारा यहाँ पे बाजू अटैच करने में जो हमारा सिलाई मार्जिन गया है वो हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारा बॉक्स जो तैयार होगा वो होगा 5 इंच पे, 1/2 इंच ऊपर की साइड लेंगे तो ये हमारा 5 इंच पे यहाँ पे ये हमारा बॉक्स तैयार होगा। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग 8.5 इंच पे हो जाएगी। इस तरीके से हमें अपना आर्म होल का नाप लेना है। अब पीछे का डॉट पॉइंट देखेंगे, तो पीछे का डॉट पॉइंट आप चाहें तो यहाँ पे इंची टेप से भी नम मेजर कर सकती हैं, या फिर अपने चेस्ट का चौथा भाग लेना है, जो भी आपका चेस्ट का साइज़ है उसमें आपको लेना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे 9.5 इंच है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 10.5 इंच। पीछे का डॉट हम 10.5 इंच पे लगाएंगे और आगे का जो डॉट होता है उसको हम 1/2 इंच 1 इंच नीचे की साइड झुका के लेते हैं। इस तरीके से हमें अपना डॉट पॉइंट लेना है। अब हम अपने गले को सेट करेंगे, पीछे का गला नापेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। आप इस तरीके से भी गला नाप सकती हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा गला नापने में अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बराबर से नाप नहीं आएगा। आपको सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, जो भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है आपको यहाँ पर लेना है, इस तरीके से नीचे की साइड से रखना है और इंची टेप को ऊपर की साइड लेके जाना है। तो ये हमारा देखिए यहाँ पर आ रहा है 10 इंच के बराबर, 10.5 इंच आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर तय कटिंग करेंगे 10.5 इंच पे, ये कटिंग होगी 10.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो चुका है तो यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा खींच के आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लैस भी अटैच है तो गला थोड़ा सा यहाँ पे खिंचाव सा आ रहा है। तो ये गला हमारा जो तैयार हुआ है 10.5 इंच पे गला तैयार हुआ है। अब गले की चौड़ाई कितना रखना है, तो गले की चौड़ाई नॉर्मल है, आप 6 इंच रख सकती हैं, 6.5 इंच रख सकती हैं, 7 इंच रख सकती हैं। अब यहाँ से देखिए इस गले का जो फैलाव है वो है 6 इंच। इस तरीके से हम अपने गले की चौड़ाई को नाप लेंगे, कितना इसमें गले में फैलाव दिया गया है। तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है, यानी 3 इंच का गला यहाँ पे कट हुआ है। नीचे से जो फैलाव दिया जाता है वो इसमें 3 इंच का है। तो इस तरीके से आप गले का मेजर कर लें। अब हम देखेंगे अपने कमर का नाप। तो कमर का नाप लेने के लिए ये जो हमारी कज वाली पट्टी होती है, आई वाली पट्टी होती है, इसको हमें छोड़ते हुए कमर का नाप लेना है। तो इस तरीके से बराबर से मिलाना है। तो ये हमारा कमर जो तैयार हुआ है, ये 32 इंच का कमर तैयार हुआ है, 32 इंच से 1-2 पॉइंट बढ़ के आ रहा है। तो ये हम 32 इंच ही लेंगे, थोड़ा सा सिलाई में इधर उधर हो जाता है। तो ये हमारा कमर के का जो नाप है वो 32 इंच है। तो यहाँ से देखिए 32 इंच हमारा कमर आ रहा है और 38 इंच का ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हम अपना सभी मेजर कर लेंगे और अपने ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। अब बाजू की कटिंग देखिए, बाजू की कटिंग आप अपनी लंबाई के अनुसार यहाँ पे ले सकती हैं। तो बाजू की जो भी आपकी लंबाई है उस अनुसार आप यहाँ पे रख लें और अपनी गुलाई ले लें, जो भी आपकी गुलाई है। तो इस तरीके से आपको गुलाई ले लेनी है और बाजू की अपनी लंबाई ले लेनी है। और आर्म होल की जो कटिंग करनी है, जितना आपने आर्म होल नापा है सेम उतना ही आपको बाजू में भी अपना आर्म होल लेना है। तो चलिए ये हमारी नाप सभी हो चुके हैं, अब हम अपनी कटिंग करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारे बेल्ट का जो हम नाप लेते हैं, इसमें हमें बेल्ट का नाप नहीं लेना है, ये हम अपने ऊपर के पार्ट के हिसाब से ही अपना बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम आपको कटिंग बता देते हैं। अब यहाँ से हम पहले अपना अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर को देखिए 1.5 इंच अपना सिलाई मार्जिन लेना है और अपना चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो चेस्ट का ऊपर चेस्ट का जो नाप था वो था 9.5 इंच, तो बैक पार्ट को हम 9.5 इंच पे ही कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और फ्रंट पार्ट में 0.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमने फोल्ड कर लिया है, नीचे की साइड से एक सीधा निशान ले लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अपनी लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे देखिए हमारे ब्लाउज़ की जो लंबाई यहाँ पे हमने नाप लिया है उसमें आया है 14 इंच, तो उसमें हम 0.5 इंच बढ़ा के लेंगे। इसको 0.5 इंच तैयार करेंगे बढ़ा के, तो हम 14.5 इंच ले रहे हैं, तो इसमें हम 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच बढ़ाएंगे अपने सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे, सेम निशान आगे की साइड भी 15.5 इंच पर लगा देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिलाते हुए सीधा निशान ले लेंगे। इस तरीके से हमारा निशान जो है वो सीधा आ जाता है। अब यहाँ से देखिए शोल्डर का नाप किस तरीके से लेना है। सबसे आसान तरीका है, अगर आप ब्लाउज से सही नाप नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पर देखिए 40 इंच चेस्ट साइज का ये ब्लाउज हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा शोल्डर आएगा वो आएगा 15 इंच, 15 का हाफ कर लेंगे 7.5 इंच। और यहाँ से देखिए गला हमारा काफ़ी डीप है पीछे की साइड, तो हम 2 इंच अंदर की साइड लेंगे। अगर आप नॉर्मली ले रही हैं तो आपको 1.5 इंच अंदर की साइड ले लेना है। तो यहाँ से हम 2 इंच ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जो हम अपने आर्महोल की गुलाई रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच पे। हमने नाप 5 इंच पे लिया है, तो 5 इंच पे रखेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो जब भी हमें ब्लाउज से नाप लेके कटिंग करना है तो अब हमें चेस्ट पे भी हमें 0.5 इंच का यहाँ पे लूजिंग देना है और लंबाई में भी 0.5 इंच का लूजिंग लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमने 9.5 इंच पे यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग ले लिया है और 1 इंच की दूरी से हम अपने आर्महोल की गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और आर्महोल का नाप ले लेंगे। तो यहाँ से हम आर्महोल का नाप देखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच। हमें कटिंग करना है 8.5 इंच पे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 1.25 इंच कम आ रहा है, इसको हम शोल्डर की तरफ से जब बढ़ा के इसको तैयार करेंगे, गले की साइड डाउन करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8.5 इंच पे। अब यहाँ से कमर का चौथा भाग लगा देंगे, तो कमर 32.5 इंच आया है, तो 32.5 इंच आया है तो 32 इंच के हिसाब से हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो 8 इंच पे हमने निशान लगाया है, 1 इंच हमने डॉट के लिए रखा है और इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। बैक पार्ट को हम 32 इंच के हिसाब से कमर का नाप लेंगे, फ्रंट पार्ट में 32.5 इंच के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। अब गले की गहराई यहाँ पे 11 इंच रखेंगे, 10.5 इंच गला ओपन होगा तो 11 इंच लेंगे। अब यहाँ पे गले में हमें फैलाव ज़्यादा लेना है, अगर आप नॉर्मली बनाना चाहती हैं तो 3-3.5 इंच तक आप यहाँ पे रख सकती हैं। अगर गले को ज़्यादा ब्रॉड बनाना चाहती हैं तो गले का फैलाव आप चाहती हैं तो 4 इंच लेने, तो यहाँ से हम 4 इंच का फैलाव दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने गले का शेप ले लेंगे। तो आप यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहती हैं तो डिज़ाइन भी कर सकती हैं, या फिर आप सिंपल गला बनाना चाहती हैं तो गोल गला भी यहाँ पे इस तरीके से बना सकती हैं। अब यहाँ से अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे, तो बैक पार्ट का डॉट पॉइंट आएगा हमारा 10.5 इंच पे, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। 0.5 इंच हमारा ऊपर का सिलाई मार्जिन होगा और यहाँ से हम 5 इंच की दूरी रख लेंगे। तो इस तरीके से हमें, और यहाँ पर जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है वो हम यहाँ पर 0.5 इंच का डॉट ले लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम अपने गले की साइड को शोल्डर को डाउन करेंगे, तो आर्महोल की साइड से 1.25 इंच ऊपर लेंगे और गले की साइड 1.25 इंच झुका के लेंगे। तो इस तरीके से हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो ये हमारा आर्महोल 8.5 इंच पे आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, जब भी आप ब्लाउज से, पुराने ब्लाउज से हम नाप लेते हैं तो उसमें हमें 0.5 इंच चेस्ट पर भी और 0.5 इंच हमारी लंबाई में भी इस तरीके से हमें बढ़ा के ही लेना होता है, इससे हमारी फिटिंग परफेक्ट आती है। अब यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो यहाँ से देखिए 0.5 इंच हमने आगे की साइड यहाँ पे बढ़ा लिया है, जो हमने 9.5 इंच पे फोल्ड किया था यहाँ पे हम 10.5 इंच पे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से एक सीधा निशान ले लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे अपना लोअर वेस्ट, तो लोअर वेस्ट हमारा आया था 13 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम अपने सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इसमें 1 इंच हमारा डॉट का यहाँ पे ऐड है, पहले से ही इसमें है तो डॉट के लिए नहीं बढ़ाना है, सिर्फ 14 इंच पे निशान लगाएंगे। सेम निशान आगे की साइड भी 14 इंच पे लगाएंगे।
और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। अब हमें सेम निशान लगाना है अपने शोल्डर का जो हमने बैक पार्ट में लगाया है 5.5 इंच पे, सेम नीचे की साइड भी 5.5 इंच पे, आर्म होल रखेंगे 5 इंच पे। तो जितना आपने पीछे की पार्ट में अपने निशान लिया है सेम उतना ही आपको आगे की साइड में लेना है शोल्डर का और आर्म होल का, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अंदर की साइड आर्म होल को डाउन करेंगे 1/2 इंच और ऊपर की साइड से इस तरीके से मिला लेंगे। अब 1 इंच की दूरी से यहाँ पे भी हम अपनी गुलाई ले लेंगे, तो पीछे वाली लाइन से हमें 1 इंच लेना है और आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब यहाँ पे अपने शोल्डर का नाप लेंगे 3 इंच, आगे का गला 6 इंच होगा तो 5.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे, और यहाँ से जो गले का फैलाव है वो हम 2.75 इंच रखेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे और इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। अब ये हमारा सभी निशान हो गया है। अब यहाँ पे हम अपने गले का शेप ले लेंगे। अगर आप गोल गला बनाना चाहती हैं तो इस तरीके से गुलाई ले लें। यहाँ पे थोड़ा सा हम कोना निकालते हुए गला तैयार करेंगे, तो नीचे की साइड यहाँ से हम थोड़ा सा हल्का सा इसको डाउन करेंगे। तो इस तरीके का भी गला आप अगर बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब यहाँ से हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट में हमने 9.5 इंच लिया है, तो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम लेंगे 10 इंच, 1 इंच रखेंगे डॉट के लिए और 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हमें नाप लेना है। अब नीचे से हम अपने कमर का सेम वही नाप लेंगे जो हमने ऊपर की साइड लिया है, 10 इंच, 1 इंच डॉट का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे हमें कमर का फिटिंग नहीं लेना है, इस निशान को हमें सीधा ही लेना है। तो सेम हमें ऊपर वाला ही निशान नीचे की साइड लगा के इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट आया था हमारा 11 इंच, तो 11.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम 11.5 इंच रखेंगे। अब 40 इंच चेस्ट साइज के हिसाब से हम इस ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं, तो इसकी दूरी रखेंगे 4 इंच पे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब 1.5 इंच की दूरी से हम अपना दूसरा डॉट लगाएंगे। सामने वाला डॉट भी हम 1.5 इंच की दूरी लेंगे और आर्म होल वाली साइड पे 2.75 इंच लेंगे। इस तरीके से हम अपने डॉट की दूरी लेंगे और इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा निशान लग गया है। अब यहाँ पे हम अपना सिलाई मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 1 इंच बढ़ाया है यहाँ पे डॉट ले लेंगे, 1 इंच यहाँ पे कवर हो गया, 1 इंच हमारा नीचे की साइड जो हमारे डॉट की लूजिंग का है वो आ जाएगा यहाँ पे। अब इन निशान को हम इस तरीके से सीधा तिरछा मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डॉट ले लिया है। अब नीचे का डॉट किस तरीके से लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए आगे की साइड हमने हुक और आई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे 1/2 इंच। इसी नाप में हमारा 1/2 इंच यहाँ पे हुक और आई का मार्जिन भी है। तो यहाँ से हम 8.5 इंच लेंगे और जो भी हमारा शेष बच रहा है 2.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ से देखिए हम फ्रंट पार्ट में जो हमारी कमर की लूजिंग है उसमें भी हम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम 8.5 इंच रखेंगे और यहाँ से 2.5 इंच बच रहा है, तो 2.5 इंच को हम यहाँ पे ले लेंगे। दोनों साइड में हम 1.25 इंच का डॉट दे देंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डॉट लगाए। फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लाइन खींचते हैं, लेकिन हम नीचे का डॉट इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पे हमारा डॉट जो बड़ा होता है तो इस तरीके से हल्का सा गोल शेप में लेते हुए हमें डॉट लगाना है, ना ही कि इस तरीके से सीधा लेना है। जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हल्का सा इसको गोल शेप में लेते हुए करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की साइड लेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा बेल्ट के लिए क्रॉस कट होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अब अपर चेस्ट की हम थोड़ी सी फिटिंग दे देंगे जब हम इसको स्टिच करेंगे, तो हल्का सा इसको अपर चेस्ट को हम फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से जब हम फिटिंग लेंगे तो ये आएगा हमारा 10.5 इंच, 1/2 इंच चला जाएगा हुक और आई का मार्जिन और यहाँ से आ जाएगा 1 इंच डॉट का। तो ये हमारा अपर चेस्ट 9 इंच पर तैयार आ जाएगा। इस तरीके से हमें अपनी कटिंग करनी है। अब यहाँ से भी हम शोल्डर को डाउन करेंगे गले की साइड जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में किया है। तो ये हमारे सभी निशान लग गए हैं, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। हमने जो अपर चेस्ट का 1/2 इंच यहाँ पे फिटिंग लिया हुआ है, ये हमने लिया है जो हमारा गला पीछे का काफ़ी ब्रॉड है, गले की चौड़ाई 4 इंच ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें अपर चेस्ट की फिटिंग देना है, क्योंकि गला जब हमारा फैल के आएगा तो यहाँ पे थोड़ी सी लूजिंग आ जाती है, जो आर्म होल की साइड नीचे की साइड फुलान आता है। इसके लिए हमें अपर चेस्ट की फिटिंग देनी होती है। तो यहाँ पे अगर गला आपका नॉर्मल है तो आप
बिना दिए भी आप इस ब्लाउज को तैयार कर सकती हैं। अब यहाँ से हम अपने बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है और फिर से हमने इसे एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पे फोर राउंड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से अपने बाजू की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आगे की साइड हमें यहाँ पे चुन्नटे वाली जो बाजू तैयार होती है वो वाली हमें तैयार करना है, यानी फ्रिल वाले बाजू बनाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे कटिंग करेंगे 9 इंच पे। जब ये हमारा आगे की साइड फ्रिल यहाँ पे अटैच होगा तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10 इंच का बाजू तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा निशान लेके आर्मूर को डाउन करेंगे 3.5 इंच। यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे। फ्रेंड इस पे भी हम वीडियो जल्दी ही बनाएंगे किस तरीके से इस आर्मूर को डाउन करना होता है, किस नाप में कितना हमें डाउन करना होता है, तो ये हम आपको जल्दी ही इस पर भी वीडियो बना के देंगे। अब यहाँ से देखिए आर्मूर की गुलाई ले लेंगे 8.5 इंच। तो जो हमने ब्लाउज़ में जितना हमने कटिंग किया है सेम उतना ही हमें बाजू पे भी कटिंग करना है। अब आगे से अपनी गुलाई ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुलाई हम यहाँ पे जो रखेंगे, हमारी गुलाई 6 इंच है आगे की साइड का, तो यहाँ पे हम 6.25 इंच लेंगे। यहाँ पे हमें और लूजिंग देना है तो किस तरीके से देंगे, यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस निशान को यहाँ से सिलाई मार्जिन रख लेंगे। अब यहाँ पे हम 1/4 इंच और लूजिंग लेंगे क्योंकि आगे की साइड हमारा जो फ्रिल यहाँ पे अटैच होगा तो ये हमारा बाजू लंबा होगा, तो लंबा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे लूजिंग लेंगे, ये पीछे की साइड आएगा। और यहाँ से जब इस तरीके से हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच चाहिए आगे की साइड, तो इसके लिए हम यहाँ पर 1/4 इंच लूजिंग लेंगे। तो यहाँ से हम टोटल 6.5 इंच का अपना आगे की गुलाई रखेंगे। अब इस तरीके से तिरछा निशान ले लेंगे, इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड और 1/2 इंच बाहर की साइड लेते हुए अपनी आर्मूल की गुलाई लेंगे। अच्छे से गुलाई लेते हुए इसकी का शेप लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर की साइड से हम 2 इंच नीचे की साइड लेंगे और यहाँ से अंदर की गुलाई देंगे। हमें ऊपर की साइड से बराबर से गुलाई नहीं देना है, अंदर की गुलाई थोड़ा सा हमें नीचे की साइड से लेते हुए लेना है। अब इसको अच्छे से गोल शेप में लेते हुए हम कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है, दो पार्ट को ओपन करेंगे और गहराई को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बाजू आ गया है, ये जो गैप आया है इससे जो हमारे बाजू में फुलान आता है, जो सिलवटें आती हैं, वो समस्या नहीं आएंगी। अब यहाँ से हम अपना बेल्ट कट करेंगे। तो पहले हम एक साइड का बेल्ट कट करेंगे। दो ब्लाउजों के लिए हमने अस्तर लिया हुआ है, अस्तर हमारा ज़्यादा है तो हम यहीं से अपना एक बेल्ट कट कर लेंगे। तो सभी साइडों से हम पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए लोअर वेस्ट का हमने जो नाप लिया है वो लिया है 14 इंच, तो 13 इंच तैयार होगा और 1 इंच हमारा डॉट का जाएगा। तो 12 इंच पे हमारा अपर ऊपर का जो पार्ट है वो 12 इंच पे तैयार होगा। तो 12 इंच को हम इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच नीचे की तुरपाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे और इस निशान को पहले सीधा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए इस निशान से हम 12 इंच पे रखेंगे और अपने ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई जो है 14.5 इंच है, 1/2 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच रखेंगे हम अपने क्रॉस कट जो हमने किया है उसके लिए। अब इस साइड से 12 इंच रखेंगे, 14.5 इंच लंबाई लेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से निशान लेना है और इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पर देखिए अपने हुक और आई के लिए यहाँ पर आगे की साइड मार्जिन छोड़ना है। जितना आपने हुक आई के लिए ऊपर की साइड लिया है 1/2 इंच, इसमें भी हम 1/2 इंच छोड़ते हुए अपने कमर का नाप लेंगे। तो कमर यहाँ पे देखिए 32.5 इंच के हिसाब से लेंगे, 1/2 इंच लूजिंग देंगे। तो फ्रंट पार्ट में हम 8.5 इंच का यहाँ पे तैयार करेंगे। तो 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच अपना सिलाई मार्जिन। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम है तो आगे से हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो ये हमारा बेल्ट बराबर से आ जाएगा। यहाँ से हम देख लेंगे तो ये हमारा 8.5 इंच कमर का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन यहाँ पे आ जा रहा है। अब इसको भी नीचे की साइड से हम इससे कट करके किनारे को अलग कर लेंगे। सेम दूसरे बेल्ट को भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से पलट के हम इसके बराबर से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा दोनों साइड का बेल्ट कट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।